नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। यहाँ पे सिर्फ हम लेवल एनालिसिस की बात करते हैं, कंक्रीट एनालिसिस की बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। हम बात करते हैं कि बाजार कहाँ से कहाँ जा सकता है, हम बात करते हैं बाय अबव लेवल्स की, हम बात करते हैं सेल बिलो लेवल्स की। इसके पीछे एक वजह है, बाजार कभी भी अपनी करवट बदल सकता है, जिसको हम ट्रेंड कहते हैं। और असली ट्रेडर या असली प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है। तो हम बाजार में अपनी जो इनिंग्स हैं उसके लिए पूरा सेफ काम करते हैं, पूरी सेफ स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। एक स्ट्रेटजी के तहत मैं काम करता हूं कि अगर बाजार इसके ऊपर चलेगा तो मैं बाय करने वाला हूं, और अगर बाजार में पलटी आती है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मैं कहां तक ट्रेड लेने वाला हूं, फिर मैं रिवर्स ट्रेड लेने वाला हूं। ऐसे ही वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूं जो कल हमने डाला था, जो 3 फरवरी जो आज की मार्केट एनालिसिस थी। आप इस वीडियो को पूरा जाके देखिएगा। यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक्स की चर्चा हमने की थी। इनमें से कुछ नोट्स मैंने बना के रखे ताकि आपको पूरा वीडियो इसमें मैं प्लेबैक ना करूं। यहां पे हमने बात की थी कि निफ्टी अगर 14732 के ऊपर चलती है तो हमारा टारगेट रहेगा 14790, 14873, 14954। फॉर इंग्लिश व्यूअर्स द टारगेट्स विल बी 14790, 14873, 14954। तो दीस वर माय टारगेट्स, एंड लुक एट द टारगेट्स, लुक एट वेयर निफ्टी हिट्स टुडे, 14903, मतलब थर्ड टारगेट के काफी आसपास। हमने बात की बैंक निफ्टी की, उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेने वाले थे, बाय अबव का जो हमारा ट्रेड था 34469 से ऊपर का था, और पहला टारगेट था हमारा 34562, सेकंड था 34655, एंड थर्ड टारगेट वाज 34789। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कल के वीडियो में मैंने यही लेवल एनालिसिस आपको करके दिया था। और आज की बैंक निफ्टी को अगर देखें, दिस इज अ डेली कैंडल, यू कैन सी द हाई 34990, मतलब तीनों टारगेट बैंक निफ्टी के अचीव हो गए। दोस्तों ऐसे ही लेवल एनालिसिस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि कल 4 फरवरी को अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ट्रेड कैसे लेने वाला। दोस्तों इससे पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरी एनालिसिस जो है एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी एनालिसिस है। मैं कैसे ट्रेड लूंगा मैं वो आपको बता रहा हूं, मेरा क्या ट्रेड होगा वो बताने वाला हूं, किस दिशा में कैसे मैं बदल जाऊंगा, कैसे मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करने बैठने वाला हूं, ये मैं वो एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा, इस लेवल से अगर आपको मैचिंग मिलती है, आपको लगता है कि हम आपको पसंद आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। अपनी एनालिसिस करने के बाद ही अपना ट्रेड लें। चलिए देखते हैं निफ्टी अब कैसा चलने वाली है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्यूचर निफ्टी की, हम ट्रेडिंग करते हैं 14814 के आसपास की आज क्लोजिंग है, और कल का मेरा जो लेवल रहने वाला है मैं बाय अबव कहाँ करने वाला हूँ, मैं किसके ऊपर बाय करने वाला हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स में जाएगा दोस्तों, 14834 के ऊपर मैं बाय करने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 14793, और मेरा जो टारगेट्स रहेंगे दोस्तों, सारी एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। वीडियो को कट शॉर्ट करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट टारगेट दे रहा हूँ कि कैसे टारगेट निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लोग कभी कभी ना लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता किसी वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए, तो शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट वीडियोज हैं जिनको लेवल एनालिसिस चाहिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जो टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा 14895 का रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 14949 का, और एक्सट्रीम केसेस में निफ्टी कैन टच अनदर हाई विद 15058। और अगर निफ्टी में कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो कभी भी आ सकती है, जिसके संकेत कभी भी मिल सकते हैं, तो मेरा जो बाय का जो स्टॉप लॉस था वो मेरा यहाँ पे एसएल हो जाएगा। सेल बिलो के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, मैं 14793 के नीचे बेचने वाला हूँ, तो और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 14834 का। टारगेट्स जो रहने वाले हैं मेरे, 14732 पहला टारगेट रहेगा, 14679 सेकेंड टारगेट रहेगा, और 14571 ये थर्ड टारगेट रहने वाला है दोस्तों। तो मैं निफ्टी के लिए इन टारगेट्स पे काम करने वाला हूँ। अगर आपको कलर्स में इशू है तो चलिए इन सबको कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों। ये आपके लेवल एनालिसिस है निफ्टी का, और अब चलते हैं बैंक निफ्टी के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। हम बैंक निफ्टी के लेवल देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरा जो बाय अबव रहेगा 34819 के ऊपर में, और स्टॉप लॉस में लेने वाला हूँ 34756 का। और टारगेट्स जो मेरे रहेंगे, जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, वो रहेगा 34912 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर चलता है तो मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने वाला हूँ 9934995 के लिए। इसके ऊपर बाजार चलेगा तो मैं थर्ड टारगेट के लिए बैठूंगा 35162, और मैं प्रॉफिट को ट्रेल करूँगा दोस्तों ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और मेरा सेल बिलो के लेवल रहेंगे, अगर बाजार प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो में आ जाता है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए बाजार में, ट्रेड विद द ट्रेंड होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। 34890 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट्स रहने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट मेरा जो रहने वाला है वो रहेगा 34663,
सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 34,581 और थर्ड टारगेट रहेगा मेरा 34,415। ये दोस्तों आपके लिए मैंने लेवल एनालिसिस करके दे दिया। कल की वीडियो में हमने 3 स्टॉक्स की चर्चा भी की थी दोस्तों, वो स्टॉक्स मैं अपने प्राइवेट ग्रुप चैनल में जरूर डालने वाला हूँ। अगर आपको स्टॉक्स का एनालिसिस भी चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी एक ब्रोकर के लिंक से अकाउंट खोलना होगा, जैसे ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, SMC का स्टॉक्स कार्ट है, IFL है, एलिस ब्लू है, ग्रो है, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आपको मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए ये छोटी सी मेहनत करनी होगी। जो भी लोग इस अकाउंट को खोलते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे 7827286174 पे आप अपना कोड मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, टीम उसको क्रॉस चेक करेगी और आपको प्राइवेट चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल तो मैं यहां दे देता हूं बट स्टॉक्स के लेवल में अपने प्राइवेट चैनल ग्रुप में देता हूं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। वो भी सब एनालिसिस और अपनी लर्निंग के लिए है। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि अपने लेवल्स में कुछ दम है, आप उसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं या उससे कुछ रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो आपको उस प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा बनना होगा दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।